आपको इस इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में पता है कि जब गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बारी आई थी तो ड्राफ्ट कमीशन का क्या कहना था का क्या कहना था एंड किस मॉडल को रिगार्डिंग था नाउ ड्राफ्ट कमीशन का कहना था कि हम गवर्नर का अपॉइंटमेंट डायरेक्टली करते हैं थ्रू दूनिवर्सल एडल्ट सेफरेज यूनिवर्सल एडल्टज का मतलब क्या होता है एन एडल्ट इज ऑफ साउंड माइंड आर अलाउड वोट फॉर दवर्नर जिन्होंने एक सर्टन एज अटेन कर लिया है इन इंडिया इट इज एटीन इयर्स ऑफ एज तो हम ये एडल्ट को राइट दें कि वो गवर्नर को जो है वो इलेक्ट कर सके मीन्साफ कमीशन का कहना था हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं गवर्नर को बट ऑन द कॉन्ट्रेरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कुछ और ही कहना था क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें एनालाइज करी थी एवेलुएट करी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी सजेशंस दिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं दो मॉडल एंड वो दो मॉडल कौन कौन से हैं अमेरिकन मॉडल एंड सेकेंड इज कनेडियन मॉडल अमेरिकन मॉडल में जो गवर्नर है वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं एंड कनेडियन मॉडल में जस्ट उसका अपोजिट है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं गवर्नर जनरल के द्वारा तो इंडिया में अडॉप्ट किया गया कैनेडियन मॉडल को एंड हमने अमेरिकन मॉडल को ड्रॉप कर लिया द रीज़न बिहाइंड ड्रॉपिंग दी अमेरिकन मॉडल इज ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर एंड जो इलेक्शन है वो इम्पार्शल रहे तो जब हमने कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किया तो यहाँ पे सबसे इम्पॉटेंट क्वेश्चन ये आता है उसके कि विच मॉडल इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फॉर दी अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर तो अपॉइंटमेंट ऑफ दी गवर्नर के लिए हमने कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किया एंड हेयर कम्स द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जो प्रेसिडेंट है वो इल, वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स ऑफ द स्टेट सो स्टे विथ मी विथ माई चैनल आउस लेक मोस्टो जब देख सब्सक्राइब माई चैनल बाय